जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाली हूँ, जिस छोटी सी वस्तु की बात करने वाली हूँ, यदि आप ले आते हैं उसे घर में, उदाहरण कर लेते हैं, आप मानकर चलिए, शत्रु, यदि आपका कोई बहुत ज़्यादा आपसे शत्रुता रखता है, वह व्यक्ति भी आपका दोस्त बनने की सोचेगा, दोस्त बन जाएगा। साथ ही यदि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, आप पर नज़र दोष बहुत जल्दी हो जाता है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। धन संबंधी समस्या, यदि परिवार में और कोई समस्या है, वह सभी समस्याएं उस सिर्फ एक जरा सी माला से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ, उस छोटी सी वस्तु का उपयोग बताने वाली हूँ। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी आपको मेरे चैनल से जानकारियां प्राप्त होती हैं जो आपके लिए आवश्यक होती हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार परेशानी में है, तो अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जानते होंगे काली गुंजा, एक मोती टाइप का एक वस्तु होती है काली गुंजा, जिसे कहा जाता है, बहुत ही चमत्कारी मोती होता है ये। इसकी यदि माला पहन ली जाए तो सभी सुख, सारे सुख इंसान को प्राप्त होते हैं। यदि काली गुंजा धारण की जाए या घर में रखी जाए तो धन को भी खींचने की शक्ति होती है इसमें। यदि इसकी माला जो पहनता है उसे नज़र कभी नहीं लगती, नज़र दोष से बचाती है ये माला। साथ ही शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया है इस काली गुंजा की माला के बारे में कि ये पहले से ही कोई यदि आप पर संकट आने वाला है तो उसका संकेत भी आपको पहले से ही मिल जाता है। काली गुंजा की माला को हाथ में भी पहना जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप गले में ही पहने। अब मैं आपको बता दूं कि कहाँ प्राप्त होगी ये। जहाँ धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं, धार्मिक सामग्री मिलती है, जहाँ पोशाक वगैरह मिलती हैं, उस दुकान पर आराम से, आसानी से मिल जाएगी। आप यदि वहाँ नहीं मिल पा रही है तो कोई धार्मिक जगह कोई जा रहा है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मिल जाती है। ये सही है कि थोड़ा सा मुश्किल नाम है ये, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग होते हैं। काली गुंजा से शत्रु तो भय खाते ही है, और शत्रुता छोड़कर वह कई बार मित्र भी बन जाते हैं, इससे शत्रुता का प्रभाव कम हो जाता है। काली गुंजा किसी को भी वश में करने के लिए कारगर साबित होती है। इसके लिए बताया गया है कि रुमाल या किसी कपड़े में यदि काली गुंजा के कुछ दाने बांध कर रख लिए जाएं साथ में, तो बहुत जल्दी इसका असर दिखने लगता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को अपने वश में आप करना चाहते हैं, यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है, दुश्मनी रखता है, या ऐसा लगता है कि आपको इस व्यक्ति को आपको वश में करना चाहिए, आपको उसकी आवश्यकता है, तो आप उसके पास काली गुंजा की माला पहन कर जाएं, और इसके बाद गले में से उतार कर उसके गले में जो आपने पहन के रखी थी काली गुंजा की माला, आप उसे पहना दें। ऐसा सिर्फ करने मात्र से सामने वाला आपके वश में हो जाएगा, और आपसे यदि शत्रुता भी रखता है तो दोस्ती का भाव निभाने लगेगा। आप करके देखें अवश्य, बहुत ही कारगर होती है ये। यदि आप शुक्ल पक्ष में, आपको ये कार्य शुक्ल पक्ष में करना है, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन एक तांबे का सिक्का ले लें और काली गुंजा की माला को लाल कपड़े में बांध लें। जो आप लाल कपड़ा लें, छोटा सा रुमाल साइज का चलेगा, लेकिन कोरा होना चाहिए, घर में पुराना कपड़ा आप उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर के वक्त, जब पूरा माहौल सुनसान टाइप, थोड़ा शांत माहौल हो जाए, उस समय आप सुनसान जगह में अपने ऊपर से इसे 11 बार उतार लें और 11 इंच गहरा गड्ढा खोद लें, उसमें इसे दबा दें। जो आपने रुमाल में गुंजा, काली गुंजा की माला को रखा हुआ है और तांबे का सिक्का रखा हुआ है, आप 11 इंच गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। सिर्फ ऐसा करने से ही बिजनेस में आपको यदि घाटा भी लग रहा है
तो लाभ होने लगेगा, आर्थिक उन्नति तेजी से होने लगेगी, और पैसों की कमी यदि चल रही है तो धीरे धीरे पूरी हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपके पास पैसा धन आने का स्रोत बढ़ जाएगा, ऐसा कोई रास्ता मिल जाएगा आपको जिससे आपके पास धन की आवक बढ़ जाएगी। कई बार कहते हैं कि कईयों को कहते सुना है कि हमें तो मालूम ही नहीं था हम ये बिजनेस भी करेंगे, लेकिन अचानक से ऐसा दिमाग में आया, ऐसा रास्ता सूझा। ये सब कुछ ऐसे उपाय करने से ही होता है। कई लोग अनजाने में कुछ उपाय कर जाते हैं, अनजाने में कुछ ऐसी कार्य कर जाते हैं जिससे उनको सामने लक्ष्मी आने का साधन मिल जाता है। कार्य तो करना ही होता है, बिना कार्य कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता। कई बार कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बाद भी उन्हें ना सफलता मिलती है ना मनचाहा धन। जितनी वह मेहनत करते हैं उतना धन भी प्राप्त नहीं होता। और कई बार कई लोग बिना मेहनत, कम मेहनत के धन प्राप्त कर लेते हैं। ये सब या तो भाग्य साथ दे रहा होता है या कुछ उपाय कारगर सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इन उपायों को जब हम करते हैं, हमारे मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो जो हमारे अंदर से पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं, वह हमारे कार्य को पूरी तरीके से सिद्ध करने में हमारा साथ देती है, ऐसा माना जाता है। एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ मैं काली गुंजा के बारे में, कि काली गुंजा के प्रभाव से नौकरी और व्यवसाय में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है समाप्त हो जाती हैं। घर में धन वैभव की कमी नहीं होती। यदि शादीशुदा जोड़ों काली गुंजा की माला पहनाई जाती है तो इन्हें बुरी नजर नहीं लगती। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह भी धन संबंधी है। आप काली गुंजा की माला किसी भी शुभ दिन, शुक्रवार के दिन भी ला सकते हैं, और लाकर जब आप शाम को दिया बत्ती करते हैं अपने मंदिर में रख दीजिए, और जिस तरीके से आप अपने घर में दिया बत्ती कर रहे हैं वैसे ही आपको पूजन करना है। बस सिर्फ माला वहीं रखे रहने दें। यदि लक्ष्मी जी की फोटो है तो आप उनके चरणों में रख दें, उसके बाद उसे उठाकर पीले कपड़े में बांधकर अपने जहां आप व्यवसाय का पैसा रखते हैं, जहां आपकी सिलक कहना चाहिए सिलक है, यदि सिलक नहीं है तो आप जहां अपना धन रखते हैं, यदि वह भी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है तो पर्स में आप इस माला को रख लीजिए। कुछ दिन इंतजार कीजिए, जैसे सप्ताह, एक सप्ताह इंतजार कीजिए, आप देखना कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आपके पास आने लगेगी, कहीं से कहीं आपको रास्ता दिखने लगेगा धन संपत्ति प्राप्त होने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि ऐसा कर लेते हैं आप तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। आप करके देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।